नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने भगोड़ी आरोपियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान, दो भगोड़ों को किया गिरफ्तार। जय मां छिन्न मस्तिका माता ज्वाला जी दरबार की सेवादार वैष्णवी देवा की ओर से करवाया गया वार्षिक जागरण, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अपने विशेष अभियान के तहत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर कई सालों से गिरफ्तारी से बचने का आरोप था। एसएसपी हर कमलप्रीत सिंह खक के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में पिछले 3 महीनों के भीतर कुल 57 भगोड़े पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कपूरथला जिला के सुल्तानपुर लोधी थाना के अंतर्गत टोटी गांव निवासी गोपी और लोहिया थाना के सिधर गांव निवासी सुरजीत सिंह उर्फ लाडी के रूप में हुई है। आरोपी गोपी पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा आरोपी सुरजीत सिंह धोखाधड़ी में वांछित था। एसएसपी खक ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा ताकि उनके नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों का खुलासा किया जा सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला जलंधर दयाती के मानयोग एसएसपी सरदार हरकौलप्रीत सिंह खख जी वालों जिले अंदर भगौड़े के माड़े दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी संबंधी स्पैशल मुहिम चलाई गई है। इस ऑपरेशन के तहत मानयोग एसपी मैडम जसरूप भाट जी आईपीएस जिन्हों की अगवाई में सब डिवीजन शाहकोट वालों दो वक् वक् केसा ज लड़ींदे भगौड़े दोषियों को गिरफ्तार करने सफलता हासिल की। इस लड़ी च गोपी पुत्र चन्ना वासी पिंड तोती थाना सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला जिसके खिलाफ 2019 च एनडीपीएस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज होया, जिसन अज मुलसिया पुलिस वालों काफ़ी मुशक्कत बाद गिरफ्तार किया। इस तरह एक दोषी सुरजीत सिंह उर्फ लाडी वासी पिंड सिंधना थाना लोहिया नू एक फ्रॉड के केस च जिसने 8 लाख रुपए की ठगी मारी सी उन्हों भी राती गिरफ्तार किया। यह दोषी काफ़ी लंबे समय तो भगौड़े सन जिन्हों को गिरफ्तार करके अब मानयोग अदालत पेश करके अगली पुतिश की जाएगी। इन्होंने भगौड़ियों लिए जिले च वक् वक् समय टाइम जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अगे भी चलदी रहनगी। थैंक यू। जय मां छिन्न मस्तिका माता ज्वाला जी दरबार की सेवादार वैष्णवी देवा की ओर से बड़ी ही श्रद्धा भाव से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ का जागरण करवाया गया। जागरण की शुरुआत महंत अश्विनी भारद्वाज ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक चीनू सैकल एंड पार्टी व सनी प्रिंस एंड पार्टी ने माँ भगवती के मनमोहक भजनों से देर रात तक माँ भक्तों को झूमने पर विवश किया। जागरण में माँ का आशीर्वाद देने के लिए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, केंद्रीय क्षेत्र से विधायक रमन अरोड़ा, नई सब्जी मंडी के व्यापारी राजू मखीजा, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन, ललित बब्बू विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर समाजसेवी दिनेश वर्मा ने आए हुए गणमान्यों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सूरज संगर, भुवन मल्होत्रा, विश्व वर्मा, वरुण वर्मा, सौरभ शैवी, राजन जोड़ा, रजत वर्मा, संजीव वर्मा, अश्विनी बाबूता, रवि सहगल सहित बड़ी संख्या में माँ भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शुक्रिया जी, बड़ा आशीर्वाद मिलता रहे। जय जय।
आदमी बहुत शीतल भी थी, बहुत सारा मान सत्कार हमेशा ही करते रहे, और आज भी धरते पहुंचे ने सारो शुरुआत दे रहे ने महाराज आशीर्वाद ले रहे ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतना मंदिर माँ दी पुजारी जय शुक्रिया भाई मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माया ओ संगा लड़ करिया माँ के सेवादार, वैष्णो के सेवादार, शीतल विज बाबू जी माँ के दर्शन करने लिए आए हैं। सारे दोनों हाथ करके उच्च कर वैष्णो माई जी दा शुरू तो सब ने माँ वैष्णो के नाल जोड़िया, उस मंदिर के नाल जोड़िया। भगवती साढ़े ते भी कृपा करे, इन्होंने ही सानू अगे बता रहे जकारा ज्वाला माई दा मां। जालंधर छावनी के अधीन नाते दीपनगर के कच्चा मोहल्ला और रंजीत एनक्लेव में लोग खराब स्ट्रीट लाइट्स की वजह से काफ़ी परेशान थे, जिसके चलते इलाकावासियों ने अपनी इस समस्या संबंधी प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पिवाल को फ़ोन कर अपनी इस समस्या संबंधी अवगत करवाया, जिसके बाद अजय कुमार पिवाल ने बिजली कर्मचारियों को बुलाकर स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को हल करवाया, जिसके चलते इलाकावासियों की ओर से प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पिवाल का उनकी समस्या को हल करवाने पर आभार व्यक्त किया गया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम विशाल है जी, मैं दीपनगर च रहना जी। इतने साढ़े लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से अं सारी जगह कह के थक गए थे, काफ़ी देर हो गई थी। हूँ अजय भाई अज अं दसिया जी, हूँ कल रात में दसिया कहते कल तक कोशिश सवेरे लगा देंगे थोड़े, तो अब सवेरे ही 10:30 फिर आ गए जी। इन्होंने अब लाइट जी लगा दी साड़ी, बहुत बहुत धन्यवादी है जी। नमस्कार जी, मैं अजय पिवाल सोशल वर्कर दीपनगर तो जी। जिदा साढ़े हम कच्चे महला रंजीत इनकलेव इतने भी स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सी। मैंने कई भैन भरावान के फोन आए भाजी तुम सारी जगह सेवा कर रहे हो तो साढ़े इतने भी कृपया सेवा की जाए। अज पूरा जिन्ना रंजीत इनकलेव उसे तार की सुविधा उपलब्ध लाइट की, रमानपुर रोड से जिन्नी लाइटा बंद सी सारिया, जिथे नवी की लड़ती नवी लाई गई, जिथे तार पवानी से तार पाई गई है। अगर किसी भैन भरा होर भी लड़ है तो मैं ताकि सेवा च अजय पिवाल सोशल वर्कर हमेशा हाजिर है और रहेगा। जय सीताराम। साई भक्त मंडल लाल कुर्ती बाजार जलंधर छावनी के तत्वाधान में श्री शिव शनि मंदिर लाल कुर्ती बाजार जलंधर छावनी में चौथी श्री साई संध्या का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। इससे पहले सोसाइटी सदस्यों द्वारा ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ साई पालकी देकर पूरी छावनी इलाके का भ्रमण किया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड पंजाब के अध्यक्ष अखिल भारतीय सूरी ने विशेष तौर पर शिरकत कर साई पालकी का शुभारंभ किया। उपरांत साई संध्या का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब बैकरों के चेयरमैन मंगल सिंह बासी ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं मुख्य मेहमान मंगल सिंह बासी ने सभी को इस साई संध्या की बधाइयां दी तथा आयोजकों का इस धार्मिक कार्यक्रम करवाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। साई संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक मनजिंदर मणि ने साई भजनों को गाकर भक्तों को भक्ति के रस से सराबोर किया। इस अवसर पर संजीव निश्चल, जगदीश अग्रवाल, ज्ञानचंद नेकराम, पृथ्वी संजय, विनोद जिंदल, सुमन कांता, राज शर्मा, ममता, सोनू, रूपा सहित बड़ी संख्या में इलाका वासियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। तुझ पे भरोसा है जी, तू गाएगी।
मंडा लाल कुर्ती बाजार वालों जो साई शाम का जो ये साई संध्या जो कलश के जो ये दरबार सजाया गया, मैं इस धार्मिक कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना हाँ और सारियां नूं साई जी के दसे दे रास्ते से चलने की अपील करदा कि आप सारे रल के जो साई जी उपदेश दे गए आ जो उन्होंने जीवन आ उस जीवन का आप चलीए। आप भगती तो बहुत करते हैं पर उन्होंने कहना नहीं मानते, आप सारियां नूं उन्होंने रास्ते से चलना चाहिए। और जिदा शर्मा जी ने कहा कि अगले साल फिर आवेंगे और इस कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद किया करता रहा कि जिन्होंने इन्ना माण बख्शिया। और एक गल मैं थोड़ा भी कहना चाहता, बहुत सुरीला गाने जी तुम ये परमात्मा चढ़ती कला च रखे, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजन एंड पार्टी होशियारपुर वाली और किरण हांडा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने माँ की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मीनू गब्बी, सुदेश कुमारी, अवतार गब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने भजन मंडियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती,
चंदन मोहन डिंगरा ने भजन गायक महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर किरण कुमार, राजकुमार सहगल, संजीव सानी, राहुल खन्ना, रमेश चंदंदरी, अशोक शीतल, सोहनलाल साथी, नरेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र कपूर, विज प्रभाकर, गोवर्धन गांधी, अशोक सितारा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। रणजीत बाबू जी जट साहब महाराज के दरबार चाहे ने और साडे मंदिर जी दरबार जी अपने साथियों के नाल आए ने और साडे भगत जी और साडे संदीप जी दैनिक सवेरा हलचल तो कवरेज करन लई आए ने। असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जागृति संस्थान की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन साइंदा स्कूल ग्राउंड पटेल चौक में हवन यज्ञ के साथ हुआ। इस अवसर पर साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती ने हवन यज्ञ के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हवन यज्ञ से न केवल मानव के अंदर सात्विक शक्तियां उत्पन्न होती है बल्कि इसके माध्यम से वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। इस कार्यक्रम में साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी शशि प्रभा भारती, साध्वी कमल भारती, साध्वी त्रिनेना भारती, स्वामी सज्जनानंद, स्वामी कुलबीरानंद, स्वामी यशस्वरानंद सहित अन्य संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हवन यज्ञ में यजमानों के रूप में अमित गुप्ता, शुभ भंडारी, नरेंद्र सिंह, अजय भारद्वाज, अजय मल्होत्रा, प्रदीप कालिया, रमेश नैयर और प्रशांत गंभीर ने पूर्ण आहुति डाली। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सुरजीत गुड्स कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के 48 वर्ष पूरे होने पर महेंद्र सिंह चड्डा, प्रीतम कौर चड्डा व सुरजीत सिंह चड्डा की याद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओल्ड कपूरथला रोड स्थित सुरजीत गुड्स कैरियर्स के कार्यालय में श्री अखंडपाठ साहिब जी के भोग डाले गए। कार्यक्रम में सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई सतनाम सिंह कोहड़का और स्वामी शांतानंद गोपाल नगर वालों ने कीर्तन व कथा के माध्यम से उपस्थित संगत को आध्यात्मिक आनंद प्रदान किया, जिसके बाद अरदास की गई। इस अवसर पर सतनाम सिंह चड्डा, गुरप्रीत सिंह चड्डा, हरमीत सिंह चड्डा, हरमिंदर सिंह चड्डा, तेजमीत सिंह चड्डा, महेंद्रप्रीत सिंह चड्डा सहित शहर के कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक वर्गों के लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आराधना दे नाल जीवन दे डर भय सारे दूर हो जाते हैं। ओ भय भंजन है, अगे कर अरदास। उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा दे विच अरदास कर। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। बस ओ मेहरबान जिसने उत्ते मेहर कर दे, जिसने उत्ते कृपा कर दे। चौपाई साहब दे विच चौपाई साहब ने शब्द गायन कीता सी, जान अपना मुझे ना। तुसी ते गरीब निवाज हो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक वचन कीता, कहन लगे मेहर करो तृण ते मोह जाए, गरीब निवाज न दूसर तो सो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने भगोड़ी आरोपियों के खिलाफ चल रहा विशेष अभियान, दो भगोड़ों को किया गिरफ्तार। जय मां छिन्न मस्तिका माता ज्वाला जी दरबार की सेवादार वैष्णवी देवा की ओर से करवाया गया वार्षिक जागरण, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।